सादा की बर्थडे शादी जैसी बना रखी हमने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है मेरा बर्थडे और हम सुबह सुबह जंगल में आ गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा सरप्राइज मिला जो कि आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो फाइनली यहाँ पे तो बर्थडे बना लिया है, तो अभी पूरा दिन बाकी है। अभी तो देखते हैं और क्या क्या होता है मेरे बर्थडे पे। अभी हमारे और भी कुछ प्लान्स हैं, हम पेड़ लगाने वाले हैं, आज फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो जंगल में करा है ना, अब फैमिली के साथ में भी करेंगे। तो अब गाइस जा रहे हैं वापस घर। चलो, सारा सामान वगैरह समेट लिया है। तो हम यहाँ पे तीन गाड़ियों में आए, दो फॉर्चुनर और एक स्कॉर्पियो। ऐसे डाल दो सब अंदर कर दो, जो बैलून्स तो आ ही नहीं रहे। अरे ऐसे मत करो, फूट जाएंगे, फूट जाएंगे। नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा, डिग्गी बंद नहीं हो रही। भाई बैलून्स को घर पे तो ले आ सकते, और डर लगता है। तो देखते हैं क्या करेंगे बैलून्स का। अब मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने अपना बर्थडे एक दिन जंगल में मनाया था, यहाँ पे नीचे। इसमें है हमारा केक जो कि हमने कट कर लिया, इसके हाल देखते हैं कैसे हैं। अब तो अभी कुछ इतना बचा है, घर ले जाएंगे अब। तो अभी गाइस यहाँ पे बन रही है टी, और देखो पहली बार देख रहा हूँ कुकर में टी बन रही है। यह है लेमन ग्रास टी, इसके अंदर काफी कुछ डाला हुआ, देखो अदरक, तुलसी, काली मिर्च सब डाला हुआ है इसके अंदर। सबसे अलग बात यह है कि ये कुकर में बन रही है, भाई पहली बार देखो कुकर में कोई टी बना रहा है। और मस्त चूल्हे में बन रही है, देखो। तो लेमन टी रेडी हो गई, लेमन टी पीते हैं अब। महबूबा रो रो के महबूब से कह रही, गौर फरमाइएगा प्लीज, जरा रुमाल दीजिए, मेरी नाक बह रही। ये जो हसीनाओं के बाल होते हैं, ये जो हसीनाओं के खुले बाल होते हैं, ये आशिकों को फंसाने के जाल होते हैं। एक मिनट, हाँ, ये खून पीते आदमियों का, तभी इनके होंठ लाल होते हैं। चीटी चढ़ी पहाड़ पे, गौर फरमाइएगा, चीटी चढ़ी पहाड़ पे, कहाँ चली, एक बार कहाँ चली, चीटी चढ़ी पहाड़ पे, कहाँ चली, चीटी चढ़ी पहाड़ पे, चढ़ी नहीं अभी तक, चढ़ी और उतर गई। दूर से देखा तो पानी बह रहा था, पास देखा कि पास गया तो मैं भीग गया। दूर से देखा तो मंदिर की सफाई हो रही थी, पास जाके देखा तो बॉय भी आगे सगाई हो रही थी। दूर से देखा तो शेर खड़ा था, पास में गया ही नहीं भाई। तो चलो अब चलते हैं अपना केक ले घर पे, घर जाके नहाएंगे, बिना नहाए धोए आगे हम। तो मैं तो नहा गया हूँ भाई। तू नहा गया? तो गाइज हमारी फॉर्च्यूनर में तो देखो पूरे बैलून भरे हुए हैं। तो साहिल और चाचा जी गए बोबिया की फॉर्च्यूनर में। चलो अब चलते हैं, अब हम जा रहे हैं नर्सरी पेड़ लेने के लिए, हम पेड़ लगाएंगे अब। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, हमारे निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। देखो तो भी गाइज नर्सरी पहुंच गया, यहाँ से थोड़े पौधे लेते हैं, पेड़ लेते हैं, तो पेड़ लगाएंगे आज। तो एक नींबू का ले रहे हैं हम, इसमें नींबू लगे भी हुए हैं। तो हमने पांच पेड़ ले लिए हैं, एक नींबू का, एक आम का, एक कटहल का और दो लीची के। अब ये पेड़ कुछ सालों में बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि हमने इस दिन लगाए थे, मेरे बर्थडे वाले दिन लगाए थे। तो अभी पहुंच गए हैं बोविया के फार्म हाउस, यहीं पे लगाएंगे पेड़ इनके फार्म हाउस में। अभी हमारा घर नहीं बन रहा ना, जब हमारा घर बनना शुरू होगा ना, तब ये पेड़ हम यहाँ से लगा के अपने घर में लगा देंगे। यहाँ पे तो गाइस ऑलरेडी इतने सारे पेड़ है ना, देखो कितने सारे पेड़ है, और ये सारे पेड़ बोविया ने अपने हाथों से लगाए हैं, एक एक पेड़। 400 पेड़, देखो 400 पेड़ लगा दिए भाई, बहुत बड़ी बात होती है 400 पेड़ अपने हाथों से, एक एक पेड़ लगाना। और देखो 10 साल पहले लगाए थे और कितने बड़े हो चुके हैं सारे पेड़, और ये भी अपने हाथों से ही लगाए हैं सारे पेड़ देखो। और इस पेड़ में घोंसले देखो, कितने सारे घोंसले हैं चिड़िया के भाई। चलो मैं भी लगाता हूँ अपनी लाइफ के कुछ 4-5 पेड़, तो हम लगाएंगे यहाँ पे। और इस कट्टे में नेचुरल खाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेचुरल खाद है, ये देख भाई, ये देख नींबू है, ये नींबू। ओ भाई का मेरा हाथ भर गया वो। तो गाइस हमने 4 नींबू तोड़ लिए यहाँ से, तो इसका बनाएंगे हम नींबू पानी। लिटरली ये देखो कितना बड़ा एक नींबू है, एक नींबू का साइज देखो मेरे पूरे हथेली इतना। पीयूष भाई भी डरा रहे हैं, वो अंदर चली जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर डरा रहे हैं, फिर अंदर जा रही है। तो पीयूष तो यहाँ नींबू पानी बनाने लग गया, ठीक है ना, नीचे और नीचे का पल्ला पे इतने से क्या होता है। अब डालेंगे हम खाद, गोबर शुद्ध होता है मालूम, गाय का गोबर हमेशा शुद्ध रहता है, कभी भी आप पूजा पाठ करते हो गोबर का यूज होता है। तो मैं लगा रहा हूँ लीची का पेड़, अगर आप लीची खाना चाहते हो तो 10 साल बाद आ जाना मेरे पास। 10 साल बाद नहीं, 3 साल में दे देगा। 3 साल में ये पेड़ हो जाएगा, बड़ा बड़ा पेड़ हो जाएगा और आपको लीची मिल जाएगी। यहाँ की मिट्टी देखो गाइस कितनी मस्त मिट्टी है, गीली मिट्टी है यहाँ की। चलो दूसरे पेड़ की बारी है, उधर लगाएंगे दूसरा। तो गाइस फाइनली 3 पेड़ हमने लगा दिए, और मेरे हाथ देखो। तो फाइनली गाइस 5 पेड़ लगा दिए भाई, बहुत 1 घंटा लगे खोदने में, खाद डालने में, लेकिन फाइनली लगा दिया, पसीना भी आ गया। नींबू पानी बना दिया, बना दी नींबू पानी, चलो बढ़िया है। एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा, इनकी फोटो भी खींच लूंगा मैं। तो पीयूष ने बना दी यहाँ पे सबके लिए नींबू पानी सिकंजी, थैंक यू पीयूष यार, दे दे यार, थक गए बहुत।
तो गाइस बात ऐसी है, दिन के बच्चों के तीन, मैंने अभी तक नहाया नहीं है तो मैं जा रहा हूँ घर। मेरे को दो काम करने थे, एक तो साफ सफाई करनी थी आज पहाड़ की, जो कि हमने कर दी, और मेरे को 5 पेड़ लगाए थे, मैंने 5 पेड़ लगा दिए। तो बर्थडे पे जो दो काम करने थे वो कर दिए, अब करेंगे मस्त पार्टी फैमिली के साथ में रात को, और पार्टी होगी फार्म हाउस में, तो यहीं पर डेकोरेशन करेंगे, यहीं पर पूरी फैमिली आएगी सब, तो यहीं पर होगी रात को मस्त पार्टी, नाचना गाना खाना पीना सब यहीं पर होगा। तो आप देखना, फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, मैं नहाता हूँ यार, बहुत पसीना हो गया। ओलू सर्द आ गए हैं, ओली कुनाली स्कूल से आ गया। हेलो करो, हेलो 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 करो, हेलो करो हेलो। तो पीयूष तो यहाँ पे आते ही अपनी वीडियो बनाने शुरू कर दी इसने तो फाइनली अब नहाया मैंने 4 बजे, बर्थडे वाले दिन 4 बजे नहा रहा हूँ। चलो अब खाना खाता हूँ और मैंने नए नए कपड़े डाले भाई, घर में भी नए नए, आज बर्थडे है ना, बर्थडे में होता है कि नए नए कपड़े डाले यार, कोई भी मिलने आ सकता है। तो अपना खाना तो आ गया, खाते हैं भाई। बोई भैया, पापा जी और जाया जी और साहिल पता नहीं क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, मतलब सुबह भी सरप्राइज कर दिया और पता नहीं शाम का क्या प्लान कर रहे हैं। हमको तो भगा दिया, पीयूष और मेरे को भगा दिया, तुम जाओ। अब देखते हैं, फिलहाल मम्मी और चाची भी रेडी हो गए और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी आने वाले हैं आसपास में, जो हल्द्वानी में रहते हैं ना सारे। तो भाई जाने से पहले मम्मी जी के भजन शुरू हो गए हैं। तो भी गाइस फाइनली सभी के सभी रेडी हो चुके हैं, आप चलते हैं बोई भैया के फार्म हाउस, देखना है मुझे पापा जी ने क्या सरप्राइज करा है, क्या भाई सुबह से लगे पड़े, क्या सरप्राइज ऐसा। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं आप एक्साइटेड हो देखने के लिए? हाँ एक्साइटेड हो। और आज हमारी मौसी भी आई है। ढोलक कहाँ ले जा रहे हो? ढोलक एक दो लोग आएंगे ना। बैठो बैठो, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा सरप्राइज रहता है, मैं तो एक्साइटेड हूँ ना। प्लीज एक्साइटेड ज्यादा भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, लाइट नहीं जल रही, पूरी बैलून्स पूरा सजा रखा भाई पापा जी ने, अभी लाइट जला के देखते हैं, लाइट ऑन करना भाई, कितना मस्त लग रहा है। ओ वाओ, शादी है यहाँ, शादी है यहाँ। शादी है मम्मी यहाँ, तो ऐसा लग रहा है शादी है। गाइस ये देखो पापा जी की मेहनत भाई, पूरा सजा दिया, पूरा फार्म हाउस सजा दिया पापा जी ने, ऐसा लग रहा है शादी वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगा, कैसा लगा? मस्त। मम्मी यहाँ आ गई, भजन मम्मी के भजन सब जगह। गाइस मम्मी को कहीं भी ले जाओ, मम्मी के बस भजन शुरू जाते हैं। तो भी गाइस वेट कर रहे हैं और लोगों के आने का, सभी आएंगे फिर हम केक कट करेंगे और नाचेंगे गाएंगे खाना पीना खाएंगे मस्त। थैंक यू स्वागतम सभी का भाई, क्या मस्त लग रहा है यार, सभी के सभी आ गए बहुत टाइम के बाद। तो फाइनली केक भी आ गया, केक कट करें क्या, केक कट करें आ जाओ फिर। हैप्पी बर्थडे, हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सौदा का बर्थडे है और हम बर्थडे फार्म हाउस में मना रहे हैं। तो गाइस सौदा की बर्थडे शादी जैसी बना रखी है हमने। कुछ और बोलना चाहोगे? हाँ। बोलो। तो गाइस यहाँ हमारी सब फैमिली आ चुकी है। भाई ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समाई, जना लगा जन्मदिन सौरभ का, बड़े दिनों में जन्मदिन आया, तो भी गाइस सेलिब्रेशन हो चुका है, डांस वांस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब फिलहाल खाने की बारी है। तो सभी टूट पड़े हैं, देखो पीछे सभी ले रहे हैं अपना अपना खाना। तो मैं भी खाता हूँ यहाँ पे चाउमीन रोटी एंड सब्जी, चलो सभी मजे से खाते हुए। तो भी गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं, बर्थडे खत्म हो चुका है, तो अब जाएंगे। इस बर्थडे पे काफ़ी चीज़ें की मैंने, जैसे कि पहले तो पहाड़ की साफ सफाई, सारा कूड़ा कचरा साफ किया, 5 पेड़ लगाए, फैमिली के साथ में इंजॉय किया और सबको बुलाया, डांस किया, भजन किए, कीर्तन किए। थैंक्स टू पापा जी, चाचा जी, साहिल एंड बोई भैया, इतना मस्त अरेंजमेंट करने के लिए, इतना मस्त सजाने के लिए सब कुछ। 12:30 हो चुके हैं, बर्थडे खत्म हो चुका है, तो अब जाएंगे ऐसे तक घर में, कुछ जाकर एडिटिंग भी करनी है। तो अभी जा रहे हैं सभी के सभी, मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा, इतना मज़ा आ रहा था ना फैमिली के साथ में, यहाँ पे मस्त गप्पे लड़ाए थे, बातें कर रहे थे, सभी काफ़ी खुश थे, काफ़ी मतलब अच्छा सा लग रहा था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो ऊपर है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पता क्या है, पैराशूट, रियल पैराशूट है बोई बेगा। तो अभी घर पहुंच गए और देखो रात के 1 बज गए, अब एडिटिंग स्टार्ट करूंगा मैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, फिलहाल मैं इसको एंड करता हूं, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। पीयूष, चल।
नहीं बैठा है, गंदी बात मत करो।